मोहम्मद जाकिर, इस पर मौजूद है मेरे गाँव कराची में अमिया बिल्डर पे और अमिया बिल्डर के सीईओ मिस्टर सरदार इरफान साहब के साथ। आप देख सकते हैं सरदार इरफान साहब। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब ये बताइएगा कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं जिस पर हम खड़े हैं जी, इसकी क्या स्टेटस है और कब तक इंशाल्लाह ये डिलीवर हो जाएगा? इंशाल्लाह सर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है, हम लोग 6 से 7 महीने में इसको डिलीवर कर देंगे इंशाल्लाह। ये कितने बेड का है और क्या साइजेस है अगर ये प्लीज बताइए? इसमें 1 बेड अपार्टमेंट है और 2 बेड अपार्टमेंट है। साइज क्या है? साइज 1 बेड अपार्टमेंट 500 स्क्वायर फीट है और 2 बेड का 900 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट। जी अच्छा, जो हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं इस लोकेशन को क्या कहते हैं? ये लोकेशन है, ये प्रीसेंट 3 एवेन्यू 2 पे आती है, जिनाह के नज़दीक है। इसके अपोजिट साइड पे हॉस्पिटल है और बाकी इसके अपोजिट साइड पे इकबाल विलाज हैं और इम्तियाज स्टोर है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा खान साहब आप कौन से और प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं या आपका इरादा है? देखिए हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है प्रीसेंट 10A Liberty 2 में, जिसके हम लोग बेसमेंट की स्लैब कंप्लीट कर चुके हैं। 40% हमारा प्रोजेक्ट सोल्ड है, अभी भी 60% प्रोजेक्ट की हम लोग बुकिंग कर रहे हैं। और तीसरा प्रोजेक्ट हमारा है जो प्रीसेंट 6 के अंदर है, उसकी हम लोग प्री लॉन्चिंग के ऊपर जा रहे हैं। प्री लॉन्चिंग में यह है कि हम लोग 40% डिस्काउंट इंशाल्लाह देंगे और वो भी कैश पेमेंट के ऊपर। अगर कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर आएगा तो हम लोग 20% डिस्काउंट उनको देंगे। तो इससे मकसद है इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्दी, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए हो गई ऑफर, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर अवेलेबल। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई आपके इस इंफॉर्मेशन देने का और अल्लाह आपको कामयाब करे प्रोजेक्ट के साथ। आप जो निकाल इरफान भाई, आखिर में कुछ अपना कमेंट देना चाहे बैरियर टाउन के काम और बैरियर टाउन के इस हालात के अंदर? बैरियर टाउन के बारे में तो देखें, बैरियर टाउन तो एक खुद ब्रांड है, उसके बारे में क्या हम कमेंट करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं हम अपने बारे में और जो आपको बता चुके हैं, बाकी जो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह हम लोग अपनी कमिटमेंट के ऊपर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।